नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संजीत मंडल, आप सभी का मरहबा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया है, मजे में। तो आप लोगों ने तो कई सारे ऐसे स्टोरी सुना है, किसी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो किसी ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो किसी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया। लेकिन आज जिनके बारे में कहने जाऊंगा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का स्पिरिचुअल डॉटर सिस्टर निवेदिता की 150 बर्थडे एनिवर्सरी में पूरा भारत परिक्रमण किया, वो भी दो पहियों में। तो चलिए उनके बारे में, उनका जर्नी के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थो सरजत था। संजीत मेरे पास आया था, उनको कुछ मेरा बारे में नहीं और मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अबाउट एडवेंचर, तो उनको जानना था। ही वॉज इंटरेस्टेड, तो चलो ठीक है। तो मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हिमालय जाने का है, और जैसे बोलते हैं माउंटेनियरिंग, तो माउंटेनियरिंग जो करते हैं उनको बोलते हैं माउंटेनियर। तो मेरे को माउंटेनियर से माउंटेन लवर बोलने में अच्छा लगता है। इवन दो हमने क्लाइम किया है, आई एम ए ट्रेन माउंटेनियर। और उसके पहले मैंने, मेरा जो एडवेंचर शुरू हुआ था वो ग्लाइडिंग से शुरू हुआ था। आई एम ए ग्लाइडर पायलट, तो आसमान में उड़ना पसंद था और पसंद करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी उतना मौका नहीं मिलता है। उस समय एनसीसी में मेरा ग्लाइडिंग एक सब्जेक्ट ही था, हमने सोलो भी किया है ग्लाइडिंग में। तो जब मेरा एनसीसी का लाइफ चल रहा था, उस समय मेरा एक दोस्त शिव शंकर पांडे, तो हम लोग साथ में एनसीसी करते थे, और उन्होंने बोला पार्थो हमारा एक क्लब है, वो कोई कैंप करवाते हैं, तो चल जाना है। और जस्ट उसके पहले मैंने दिल्ली आर डी करके आया था, और हमेशा वही था कि चलो देखते हैं क्या है। तो उस समय वही उनको बोला कि चलो देखते हैं क्या है। सो दैट वाज द इनिशिएशन, वहीं से शुरू है। ये था 1986। सो 1986 में एक शुशुनिया बोल के जगह है बांकुरा में इन वेस्ट बंगाल, तो उधर हमारा पहला रॉक क्लाइंबिंग प्रोग्राम था। माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग का साथ साथ लॉन्ग ड्राइव भी एक पैशन हो गया, और वो लॉन्ग ड्राइव में मैंने लेह लद्दाख और उस साइड में दो बार बाइक लेके गया, और एक बार पूरा भारत जाने का, देखने का मेरे को मौका मिला है। 2017 ये था सिस्टर निवेदिता, जो कि स्पिरिचुअल डॉटर ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो आयरलैंड का लेडी थी, और शी वॉज इंस्पायर्ड बाई स्वामी विवेकानंद। वो बहुत ही अच्छा राइटर थी। एक अपना उनका स्कूल था इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने सारे सेक्रीफाइस करके हमारा देश में आया और देश की सेवा की है इन एवरी फील्ड। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने ऐसे कोई पर्सनैलिटी उनके लिए, उनके उनको ट्रिब्यूट देने का मौका मेरे को मिला था 2017 में। तो एज एन एम्बेसडर ऑफ सारगाछी रामकृष्ण मिशन, जो कि फर्स्ट रामकृष्ण मिशन अंडर रामकृष्ण मिशन, मतलब अंडर बेलूर मठ, वहाँ से फिर सारगाछी रामकृष्ण मिशन, जो वाइस प्रेसिडेंट महाराज बेलूर मठ सुहिदानंद जी महाराज, उन्होंने इनिशिएट किया वहाँ से। फिर हम गए मालदा, फिर जलपाईगुड़ी, और इस बीच में ऐसे था ना 2017, उस समय फ्लड था, पूरा नॉर्थ बंगाल पानी के अंडर में था, पानी का नीचे था, क्योंकि बहुत फ्लड हुआ था। तो मेरे को महाराज जी ने बोला कि पार्थो ऐसे है, तो पोस्टपोन करके कुछ दिन बाद निकल। लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो आराम करने के लिए निकलना था ही नहीं। आई हैड टू फेस ऑल द चैलेंजेस। तो चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे कुछ भी है, उसको लेते हुए मेरे को आगे जाना है। तो मैंने वो प्रोग्राम का, मैंने कोई डेट चेंज नहीं किया। मेरे को अच्छा लगा उधर भी, जब मैंने पहुंचा, जो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर में जो जिनका पानी में बह गया है घर, या तो घर के अंदर पानी है, वो उधर आके तंबू लगा के रह रहे हैं, वो भी मेरे को चाय ऑफर करता है, भाई साहब थोड़ा चाय पीजिए। तो आदमी का जो मन होता है ना, वो कभी, अगर अच्छा कोई मन का आदमी होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। उनका इतना दुर्दशा उस समय भी, उनका अंदर जो भालापन था, वो जो अच्छापन था, वो गया नहीं। तो एनीवे, फिर उधर उनका चाय वाय पी के वहाँ से हम चले गए जलपाईगुड़ी, और फिर वहाँ से गए गुवाहाटी रामकृष्ण मिशन। सुबह जैसे कि बाइक स्टार्ट किया, देखा काला धुआं निकल रहा है, मतलब कोई इंजन में गड़बड़ी है।
तो मेरा जो मैकेनिक कलकत्ता में था उनको फ़ोन लगाया, बोला कि हाँ पार्थ दा मैंने आवाज़ भी सुना है, बोलते वो कुछ नहीं आप निकल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना चाहा, तो मैंने ढूंढा उधर गुवाहाटी में कौन मैकेनिक है। सो मैकेनिक मेरे को मिला, वो बोला इंजन का जो है ना बेयरिंग ख़राब हो गया है तो आगे जाना मुश्किल है। तो मैंने कोई बात नहीं आप काम करो, रात को 12:30 बजे तक उन्होंने इंजन पूरा काम किया, करने का दूसरा दिन सुबह 4 बजे मैंने निकल गया। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद माउंटेन टेरेन जो होते हैं उधर अगर इंजन और गाड़ी ठीक नहीं है और बीच में कहीं हो जाता है तो यू बी नो एयर, कोई मदद करने के लिए नहीं होगा, कोई सामान नहीं मिला, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो फिर प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। से निकलने के बाद भालुकपोंग होते हुए, बोमडिला होते हुए अरुणाचल में दिरांग बोल के एक जगह है, दिरांग में पहुँचा। और वो दिरांग जो जहाँ पे खासो बोल के जगह है, जहाँ पे शारदा मिशन है, वो शारदा मिशन का जो सामने जो माउंटेन रिज है उसका उस पार में चाइना है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जो माता जी लोग वहाँ पे जो आश्रम बनाए, उधर 250 लड़की पढ़ती है एंड दे हैव हॉस्टल, और कैसे कैसे उनका कितना क्षमता है कि एक मतलब माता जी लोग ऐसे सुंदर आश्रम बनाए हैं। एनीवे माता जी लोग बोल रहे थे कि आप इधर रुक जाओ, लेकिन स्वामी जी जब ये शारदा मिशन बनाया था ना, ये शारदा मिशन का मतलब ये था कि रामकृष्ण मिशन में जो सन्यासी लोग हैं वो रहेंगे और शारदा मिशन में जो माता जी के उनके लिए हैं। तो मैंने भी वो डिसिप्लिन फॉलो किया था, कभी भी मैंने जो भी शारदा मिशन हम गए कहीं अब रुके नहीं। फिर आसाम बॉर्डर होते हुए आसाम घुसे, फिर वहाँ से और दूसरा बॉर्डर से गए खोनसा, वो भी अरुणाचल में है। और ये खोनसा जो है ना बर्मा से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी रामकृष्ण शारदा मिशन है। निकल गए आगे फिर नौगांव होते हुए गुवाहाटी होते हुए हम फिर बंगाल पहुँचे। बंगाल थोड़ा साइड से निकल गए क्योंकि बंगाल फिर घुसेंगे तो फिर मेरे को जाना था झारखंड देवघर जाना था। तो फिर NH-34 नहीं लेके मैंने सीधा डालखोला होते हुए पूर्णिया होते हुए हम देवघर गए। देवघर में भी मज़ा हुआ, क्यों देवघर मेरा जैसे ये प्रोग्राम जब हुआ था ना तो जितना भी रामकृष्ण मिशन है सबका पास एक लेटर गया था कि ऐसे ऐसे हम निकल रहे फॉर परिक्रमा, एंड टेंटेटिव शेड्यूल था कि हम इधर इधर जाएंगे और इधर इधर इस तारीख को मेरे को पहुँचना, टेंटेटिव था। तो मैंने जब पहुँचा उधर इधर देवघर में तो उस समय 3:30 बज रहा था, तो सिक्योरिटी गार्ड बोला कि नहीं अभी तो बंद है, 4 बजे के बाद खुलेगा। ना कोई नहीं ठीक है, मैं इतना रुक नहीं सकता, अब ऐसे करना है। तो मेरे पास एक मेमेंटो था, एक फोटोग्राफ स्वामी जी एंड सिस्टर निवेद एंड माँ शारदा का, तो वो मैं सबको मैंने वो देते हुए जा रहा था। तो मैंने बोला ठीक है महाराज जी को ये दे देना और बोलना, बोले ठीक है आप एक महाराज से बात कर लीजिए। तो अरिजीत महाराज उधर का जो ये थे मतलब प्रिंसिपल थे देवघर रामकृष्ण मिशन का जो स्कूल है उधर का, तो उनसे बात हुआ, बोला नहीं नहीं आप सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन दो। वो फ़ोन दिया फिर बोले नहीं नहीं आप अंदर जाइए अंदर जाइए। फिर मेरे को अंदर बुलाया और अरिजीत महाराज तो बहुत खुश हुए क्योंकि आप जो निकले हैं ये मेरे को पता है, मेरे पास मेल है, लेकिन हमारा जो देवघर का नाम उसमें नहीं था, हम तो बहुत खुश है कि नाम नहीं था, तभी आप पहुँच गए, आपको रुकना पड़ेगा। तो इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट। मैंने फिर उधर मेरे लिए रूम का अरेंजमेंट हुआ, वो सब हुआ। और हर स्कूल में जो रामकृष्ण मिशन का जो है ये स्कूल या तो मिशन जो भी है उधर शाम को आरती होता है और जो स्कूल है उनका एक रीडिंग टाइम होता है आरती के बाद। तो जब आरती उधर अनाउंसमेंट हुआ आज कोई रीडिंग टाइम नहीं है, वी हैव ए स्पेशल सेशन, वहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल हॉल है, तो उधर एक प्रोग्राम बुलाया गया। वो प्रोग्राम मेरे लिए स्टूडेंट्स वर सो एक्साइटेड क्योंकि उनको लिए अच्छा लगा कि ना कोई अकेला आदमी पूरा भारत घूम रहे हैं और पता नहीं उनको कुछ तो अच्छा लगा। फिर मैंने एक छोटा सेशन थोड़ा एक स्लाइड शो भी उधर किया। फिर दूसरा दिन मैंने बनारस के लिए, बनारस में रामकृष्ण मिशन भी है शारदा मिशन भी है, और शारदा मिशन में जब गए उधर का जो माता जी थे उनका नाम में निवेदिता ही थी, निवेदिता माता जी, तो सब बहुत खुश हुए। फिर वहाँ से हम गए बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ। लखनऊ में सुजीत महाराज बहुत एक्साइटेड थे। दूसरा दिन वहीं से निकलने के पहले सुजीत महाराज मेरे को माला पहनाया, फिर रिपोर्टर को बुलाया, फिर कुछ खबर भी हुआ, फिर एक ग्रीन फ्लैग लेके उन्होंने मेरा फिर वहाँ से सफ़र स्टार्ट करवाया। फिर मायावती से हम गए अल्मोरा। अल्मोरा
हम रात को पहुंचे थे, तो मेरा एक प्रैक्टिस था कि रामकृष्ण मिशन का एक डिसिप्लिन है, और 8 बजे गेट मतलब डिनर टाइम और शाम का जो आरती का टाइम, ये सारे टाइम होता है। तो मैंने कभी भी देखा ना कि मेरा अगर पहुंचने में लेट होता है, होने का संभावना है, तो मैंने उस दिन उधर पहुंचने का प्रोग्राम ही मैंने कैंसिल करता था। मैं बाहर रुकता था, फिर कोई होटल में कहीं पर भी, फिर दूसरा दिन मैं आश्रम जाता था। मैंने उधर भी अल्मोड़ा में ऐसे किया था, हरिद्वार से गया देहरादून, फिर देहरादून में रामकृष्ण मिशन में रुके हैं, फिर वहाँ से अम्बाला, अम्बाला से पठानकोट होते हुए, या ये अम्बाला से पठानकोट, फिर पठानकोट से मेरे को जाना था फिर जम्मू, फिर श्रीनगर। श्रीनगर जाते समय उधर आता है बनिहाल पास, उस समय हो रहा था 6:30, तो मैंने वहाँ से फिर 2 मिनट रुका वहाँ, फिर चल दिए। फिर रास्ता तो सुनसान है, 7:30-8 बज रहा था, मेरे को अभी भी 40-50 किलोमीटर जाना है। मेरे को चाय का लगा कि चाय पीना है, तो कोई दुकान कुछ नहीं है, तो एक जगह मेरे को 5-6 दुकान मिला, उसमें से एक खुला था, तो मैंने एक जगह चाय और भुजिया टाइप कुछ खाया। तो वो बोले भाई साहब कहाँ जाना है, आर के एम श्रीनगर। बोले आर के एम क्या है, रामकृष्ण मिशन। बोले वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जानते हैं। बोले नहीं, हम तो मुसलमान हैं। तो मैं बोला हम तो मक्का जानते हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो अजमेर शरीफ भी जानते हैं, हम तो हिंदू हैं। तो मैंने उनका मुसलमान शब्द का जो मीनिंग है उनको मैंने पूछा, ये जो ईमान सबसे बड़ा चीज़ है, ये सारे ईमान आपके अंदर है? बोले सारे तो नहीं है। मैंने बोला आपके फ़ोटो खिंचवाते? बोला हाँ खिंचवाते हैं। बोला कुरान के हिसाब से वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये शरीर अल्लाह का है, आपका कोई हक नहीं बनता इसका, कोई भी चीज़ धरती में रहेगा। शाम का नमाज के बाद क्या करते हैं? बोले काम करते हैं। वो भी नहीं करने हैं, कुरान ने बोला शाम का नमाज का वो समाज सेवा करना है, तो कोई धंधा वाला काम कर ही नहीं सकते हैं। तो पता नहीं, वो बोला कि भाई साहब और एक चाय पीजिए, इसका पैसा मत दीजिए, क्योंकि ऐसे कभी कोई समझाया नहीं। तो कोई नहीं, तो उनका ज़बरदस्ती मेरे को और एक चाय पीना पड़ा था। मैं बोला कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। अभी मैं उनको उस समय निवेदिता का किताब दिया, बोले जाते समय आपको जो है ना स्वामी जी का किताब देंगे। फिर हम चले गए श्रीनगर, नीचे आ गए हम जम्मू से, फिर पठानकोट होते लुधियाना में मैंने रुका, वहाँ से गए खेत्री, फिर खेत्री में हम रुके एक दिन, फिर वहाँ से हम चले गए जयपुर। मेरे को जाना था बड़ोदरा, बड़ोदरा भी फेमस है। बड़ोदरा फेमस इसलिए है कि स्वामी जी उधर 3 दिन रुके थे। फिर बड़ोदरा से हम गए अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से चले गए उधर महाराष्ट्र बॉम्बे, बॉम्बे से फिर गए पुणे। पुणे रामकृष्ण मिशन भी बहुत अच्छा था। आनंद महाराज वो मेरे को अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि पार्थ तुम्हारे अंदर बंगाली है? बोले महाराज मैंने नहीं समझा। बोले मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे अंदर बंगाली है? बोले महाराज मैं तो बंगाली हूँ। मैंने वही पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि कोई एक बंगाली, स्वामी जी का बात अलग था, लेकिन कोई एक बंगाली अकेला पूरा भारत घूम रहा है, ये ना तो मैंने कभी सुना है ना तो मैंने देखा है। तो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ में है, और तुम आगे निकल जाओ और तय करो ये। तो वहाँ से हम निकले, फिर गुंटूर से राजामुंड्री में एक नाइट था, फिर वहाँ से भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से फिर हम कलकत्ता पहुँच गए। तो पूरा परिक्रमा में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था, एक तो है कि हमारा देश जो है ना अभी भी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि अकेला आदमी इतना अराउंड 15,000 किलोमीटर सोलो ड्राइव करके विदाउट एनी फिजिकल एंड मेंटल वुंड हमने घर पहुंच गया है। और जो बोलते हैं इधर दंगा है, उधर ये है, इधर कम्युनल राइट है, मैंने तो पूरा ग्राउंड टच करते हुए गया, और कभी हाईवे, कभी स्टेट हाईवे, कभी बाजार, कभी सिटी, कभी गाँव, तो सबसे मिलते हुए गया। कभी भी मेरे को ऐसे महसूस नहीं हुआ कि इंडिया में कोई ऐसे डिस्टर्बेंस है जो कि इतना बोलने लायक। ये मेरा जर्नी था, और ये जर्नी मैंने बेलूर मठ में ख़त्म किया था, दैट वाज 18th अक्टूबर, और वहाँ पे भी महाराज जी मेरे लिए वेट कर रहे थे। और ये मेरा जर्नी सेफली हुआ, और बहुत सारे सीखने को मिला है,